हम सभी भारत के नागरिक हैं। अपने सोसाइटी में कास्टिज्म और रिजर्वेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं सर। माल करके अब्बाई नायडू जैसे कई नेता एमएलए एमपी बनकर पार्लियामेंट में घुसकर मंत्री बने बैठे हैं, ये मैंने पता किया है। आजादी मिलने के बाद अंबेडकर जी ने पुरानी स्थितियां देखकर संविधान लिखा था। भारत में सर्वधर्म सम्मान, सौम्यवाद, अलौकिकता। कब से आप मेरिट किए जा रहे हैं? मौका मिलेगा तभी तो टैलेंट बाहर निकल के आएगा। यहाँ योग्यता की कोई कीमत नहीं है, न कोई नॉलेज पूछता है। इस देश का हर एक इंसान किसी न किसी जाति का है, लेकिन इंसानियत किसी में नहीं है। इस देश के हर राज्य में जनता की सरकार है, फिर भी प्रजातंत्र को ढूंढना पड़ता है। इस देश के हर घर में एक स्त्री है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए सोचना पड़ेगा। सुनो, अभी इस देश के नियम कानून न्याय हम जैसे लोगों के लिए काम करते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल में जो फर्स्ट एड मिलता है, रिजर्वेशन का रोल आज उतने तक ही सीमित है। असली ऑपरेशन होना तो अभी बाकी है। हर रोज हर आधे घंटे में मीडिया वाले वास्तुशास्त्र और राशिफल के बारे में बताते हैं। पूरे दिन में अगर एक घंटा भी वो संविधान के बारे में लोगों को बताएं, तो ये इस देश की जनता के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। अम्बेडकर संविधान शरणम गच्छामि।